नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी एंड वी आर बैक विद अवर चैनल योयो बायो। आज के हमारे बा योलॉजी क्लास में हमारा मेन टॉपिक कंटिन्यू रहेगा, दैट इज योयो न्यूरो। न्यूरो यानी नर्वस सिस्टम। हम नर्वस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं, जहां पर हम लोग आज बॉडी के बॉस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हु इज द बॉस? ब्रेन इज द बॉस। अब ये जो बॉस है, तो बॉस का प्रोटेक्शन भी एकदम टाइट होना चाहिए। अब समझो, फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको किसी भी तरह की इंजरी होती है, कोई सिर पे अगर लड़ाई करता है तो कोई किसी को सिर पे मार देता है, कोई बाइक चलाता है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसने हेलमेट नहीं पहना है, हम दोस्ती यारी में मजाक करते हैं, दोस्त हमको टपली मार देता है, कितनी जोर से टपली मारता है वो डिपेंड करता है। सो इस तरह तरह के एक्टिविटीज में ब्रेन को इंजरी ना हो, बॉस को तकलीफ ना हो, इसीलिए कुदरत ने हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में कुछ प्रोटेक्शन दे रखा है। और आज के लेक्चर में हम लोग इस ही प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में तीन कवरिंग होता है बेटा, जिसको हम लोग बोलेंगे मेनिंजेस। तीनों को साथ में मिलाकर बोलोगे तो मेनिंजेस बोलने का। और एक बार में अगर एक की बात कर रहे हो तो उसको मेनिंग्स बोलना होता है। ओके, सो एक बार में एक कवरिंग की बात करोगे तो मेनिंग्स। मेनिंग्स इज सिंगुलर एंड मेनिंजेस इज प्लूरल। अब इसके लिए हमको चाहिए ब्रेन। तो समझो हमने हमारे दोस्त का ब्रेन निकाला था। नहीं, दोस्त का मत निकालो, क्योंकि दोस्त के पास तो दिमाग है ही नहीं। ओके, समझो हमने फॉर एग्जाम्पल एक भाड़े पे ब्रेन लिया, भाड़े पे फॉर एग्जाम्पल। ओके, अब ब्रेन ड्रॉ कर लेते फटाफट, और ब्रेन के नीचे स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान से देखो, भाड़े का ब्रेन है और अच्छे क्वालिटी का है। दो मिनट में ब्रेन तैयार। ओके, दो मिनट में मैगी भी नहीं बनती होगी, उससे जल्दी हमने ब्रेन बना लिया। ब्रेन का डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है उसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मजेदार है। ओके, अब इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में तीन कवरिंग है, ध्यान से देखना। यह है सबसे बाहर वाला कवरिंग, सबसे बाहर वाला मेनिंग्स। इस लेयर को, मेनिंजेस के इस लेयर को बोला जाता है ड्यूरा मैटर। मैटर का स्पेलिंग देख रहा है, नॉर्मली मैटर में हम लोग MATTER लिखते हैं। वो मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड वॉल्यूम, स्टैंडर्ड 8 बेसिक साइंस आता है, रट्टा मारा है। पर ये बायोलॉजी है। यहां मैटर में से एक टी निकाल दिया। यहां मैटर का मतलब होता है मदर। मैटरनल इस शब्द से आया है, मैटरनल यानी मदर, पैटरनल यानी फादर। अब हॉस्पिटल का नाम सुने हो, मैटरनिटी हॉस्पिटल, मैटरनिटी होम, मैटरनिटी नर्सिंग होम। सो मैटरनिटी नाम क्यों रखा है? बिकॉज वहां पर एक औरत जब बच्चे को जन्म देती है तो वो खुद मदर बन जाती है। गेटिंग द पॉइंट? पैटरनिटी हॉस्पिटल सुने हो? होता ही नहीं है, पुरुषों की कोई इज्जत ही नहीं है। ओके, एनीवे, जोक्स अपार्ट, मजाक कर रहा हूं। ओके, बात ये है, मैटरनल का मतलब होता है मदर बेटा। ओके, और ड्यूरा, ड्यूरा इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल यानी स्ट्रॉन्ग। सर, मजबूत मां, मजबूत मां, स्ट्रॉन्ग मदर, ऐसा कैसा नाम रखा है सर? सुन बात ध्यान से,
मजबूत माँ, मजबूत मतलब लेयर, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग लेयर बेटा। माँ और मदर, मदर का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है प्रोटेक्शन। एक माँ अपने बच्चे की हमेशा रक्षा करती है, जब वो उसके गर्भ में होता है, उसके वूम्ब में होता है, तो फिर भी उसको प्रोटेक्ट करती है, और जब वो बच्चा पैदा हो गया होता है, इतना बड़ा घोड़ा और घोड़ी हो गया है, फिर भी उसका प्रोटेक्शन करती है। जानवरों में भी देखो, अगर प्रोटेक्शन के दौरान खुद की जान भी देना पड़े तो फिर भी माँ पीछे नहीं हटती, माँ माँ होती, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक सामाजिक ज्ञान, जिंदगी में अपनी माँ को कभी भूलना नहीं। एक पर्सनल इंफॉर्मेशन, मेरे क्लिनिक का नाम मेरे मदर और फादर के नाम से रखा है, शशि रेखा क्लिनिक। सो दिस इज वन थिंग दैट यू शुड लर्न फ्रॉम डॉक्टर अवस्थी, दैट मदर एंड फादर दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, एनीवे कमिंग बैक, सो ड्यूरा मींस स्ट्रॉन्ग एंड मैटर मींस मदर। ओके, सो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग मदर, यानी ये एक स्ट्रॉन्ग लेयर है जो एक माँ की तरह ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी। ओके, अब ड्यूरा मैटर के बाद नेक्स्ट लेयर ये है, सेकेंड लेयर जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करेगा, इस लेयर का नाम है एरेक्नोइड मैटर, एरेक्नोइड मैटर। अब एरेक्नोइड, एरेक्निडा स्पाइडर का कैटेगरी है, स्पाइडर का ग्रुप है। ओके, ऑइड मींस लाइक, जैसे न्यूक्लियोइड मतलब न्यूक्लियस लाइक, वैसे एरेक्नोइड यानी स्पाइडर वेब लाइक। सो ये वाला जो लेयर है ना, ये स्पाइडर के वेब की तरह होता है, इसलिए इसका नाम रखा है एरेक्नोइड। ओके, तो ये था तीन कवरिंग अराउंड द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सर आपने तो दो ही बनाया, हाँ तीसरा कवरिंग ये मार्जिन खुद है, यानी तीसरा लेयर जो है ना, वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बहुत चिपक के रहता है बेटा, इसको बोला जाता है पाया मैटर, पिया मैटर जैसे जमे वैसे बोलो, पाया मैटर और पिया मैटर, वट एवर इज कंफर्टेबल। ओके, ज्यादा प्रोनंसिएशन में इंग्लिश में ध्यान नहीं देना है, अपने को बायो सीखना है बेटा। ओके, पाया का मतलब होता है सॉफ्ट, सो अंदरूनी लेयर है ना बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के क्लोज अप्रोक्सीमेशन में होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को छूता है वो लेयर। ओके, अब बात यह है बच्चों कि ड्यूरा मैटर और एरेक्नोइड मैटर के बीच में जगह है। ओके, इस जगह में पानी भरा है, ये वाला, ये जो जगह है इसमें पानी भरा है, इस जगह को हम लोग बोलेंगे सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। वैसे ही एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में भी जगह है, उसमें भी पानी भरा है, ये ये डायग्राम ना खाली एक रफ डायग्राम है समझने के लिए, ये किसी नोट्स में तुमको मिलेगा नहीं, बट समझने के लिए सबसे बेस्ट है। जिस तरह से बायोलॉजी सबसे बेस्ट है, जिस तरह से अवस्थी सर तेरा सबसे बेस्ट है, जिस तरह से तू मेरे लिए सबसे बेस्ट है, उसी तरह से ये डायग्राम सबसे बेस्ट है समझने के लिए। अब एरेक्नोइड मैटर और पाया मैटर के बीच में जो जगह है ना, उसको हम लोग बोलेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस, सब एरेक्नोइड स्पेस। अब दिमाग लगाना, ड्यूरा मैटर के नीचे जो जगह है उसको सब ड्यूरल बोला, एरेक्नोइड मैटर के नीचे जो है उसको सब एरेक्नोइड स्पेस बोला। इससे हमको ये सीखना चाहिए सब, सब का मतलब क्या होता है सर, सब का मतलब हम सब, गलत, सब का मतलब होता है बिलो, आई रिपीट, सब का मतलब होता है बिलो। जैसे किंगडम एक कैटेगरी है, तो उसके नीचे नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है उसको बोलते हैं सब किंगडम, सो सब मींस बिलो। जैसे एक रास्ता जा रहा है, देयर इज अ वे,
उसके नीचे से एक रास्ता अगर जा रहा है तो उसको बोलते हैं सबवे। जैसे हाँ मुझे अभी भी याद है, मैं नॉर्मली क्लासरूम में इस तरह से बच्चों को पढ़ाता हूँ। ओके, आज से कुछ 5-6 साल पहले एक बैच में मैं सिखा रहा था, वहां मैंने इसी तरह का एग्जांपल दिया था। वहां मैंने बोला था जैसे इंस्पेक्टर एक पोस्ट होती है, एक बच्चे को खड़ा कर दिया तो बोला जैसे इंस्पेक्टर एक पोस्ट है तो इंस्पेक्टर के नीचे कौन? बड़ा मासूम सा बच्चा था, बड़े मासूमियत से बोला सर इंस्पेक्टर के नीचे हवलदार। पूरा क्लास हंसने लगा, मैं भी हंसने लगा। मैं बोला और उसने इतनी मासूमियत से बोला, देन आई टॉट हिम, अरे तू फ्लो के साथ जाना, किंगडम के नीचे सब किंगडम, वे के नीचे सब वे, तो इंस्पेक्टर के नीचे फिर भी वो बोलता हवलदार सब इंस्पेक्टर, रिमेंबर। ओके, सो सब मींस बिलो, इस तरह से याद रखो। क्योंकि उसने बहुत मासूमियत से बोला इसलिए मैंने उसको डांटा नहीं, नहीं तो उसको मैं डांट डांट के ना उसके सारे के सारे न्यूरॉन्स के ना माइलिन शीथ के ना स्वान सेल्स को निकाल देता। That's too much of biology. Okay. Anyway, so dura matter के नीचे subdural space, arachnoid matter के नीचे subarachnoid space. इतना तुमको याद रखना है। अब subdural space में जो पानी भरा है उसको बोलते हैं serous fluid. गुजराती भाषा में you can call it as सरस। गुजराती में ना अच्छा जो होता है ना, जो अच्छा उसको सरस बोलते हैं। So मुझे ये एक आदत है इसको बोलने की, this is सरस fluid. Okay. अब सब एरेक्नोइड स्पेस में जो पानी भरा है ना उसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। ओके, अब बच्चों इसका मैं तुमको और डिटेलिंग कराऊंगा। इसमें से ड्यूरा मैटर, एरेक्नोइड मैटर, पाया मैटर, ये तीन मेनिंजेस है, इसका और डिटेलिंग कराऊंगा। बट अभी इतना समझ के ले लो कि देखो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को इस तरह से प्रोटेक्शन मिलता है। अच्छा, ये प्रोटेक्शन तो कुछ भी नहीं, इसके बाहर भी, इसके बाहर के तरफ भी और भी प्रोटेक्शन है। अब इसके बाहर और क्या होगा? तो इसके बाहर इस तरफ स्कल बोन का क्रेनियम वाला पार्ट होगा। ओके, फिर क्रेनियम के ऊपर मोटा चमड़ी होता है, क्रेनियम के ऊपर मोटा चमड़ी होगा जिसको हम लोग बोलेगा स्काल। और स्काल के ऊपर बाल होएगा। इनफैक्ट मैं तुझे अगर फर्स्ट ईयर मेडिकल में ना जब हम लोग ने बॉडी डाइसेक्ट किया था, बॉडी कट किया था, और बहुत सारे लाइव सर्जरी में जब हम लोग ब्रेन सर्जरी ये सब असिस्ट करते हैं, ओके राइट, तो उसमें ना ये देखा जाता है कि स्काल के भी 5 लेयर। चल तुझे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ओके, जब मैं मेडिकल लेक्चर्स बनाऊंगा ना इससे काफी ज्यादा हाई लेवल पे होगा, वो तो और भी अमेजिंग होगा। बट अभी से तू इतना एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन याद रख सकता है कि स्कैल्प के भी 5 लेयर है, उसका भी शॉर्टकट स्कैल्प है। स्कैल्प का मतलब होता है हमारे सिर के ऊपर जो खाल है, जो चमड़ी है वो, और ये चमड़ी नहीं है, चमड़ा है, ये मोटा है। देखो ये सब स्किन है ना, एकदम पतला है, सॉफ्ट, डेलिकेट, मजा आता है। पर यहाँ का स्किन को पिंच, नोचने की कोशिश करो तुम नहीं पकड़ पाओगे, बहुत मोटा चमड़ी है बेटा। ओके, उसमें भी है ना टोटल 5 लेयर है, जिसमें सबसे पहले वाला लेयर जो है वो है स्किन, उसके बाद आता है कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद आता है एपोन्यूरोसिस, उसके बाद आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद आता है पेरिक्रेनियम। यानी सोचो अगर किसी भी तरह का इंजरी तुम्हारे ब्रेन तक आ रहा है, अब वो इंजरी का पूरा डायरेक्शन देखते हैं। सो अगर ब्रेन को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा, ओके समझो किसी ने किसी को लाठी मार दिया, छड़ी मार दिया जोर से सिर पे, या फिर किसी का एक्सीडेंट हो गया, बाइक चला रहा था जोरदार, गाना गा रहा था धूम मचा ले और आगे उसका धूम मच गया, क्योंकि अपने को पता है अपना रास्ता कैसा है, रास्ते में खड्डा नहीं होता है, खड्डे में थोड़ा बहुत रास्ता होता है, तो इंजरी हुआ। अब वो इंजरी ब्रेन तक पहुंच सकता है और घातक हो सकता है। बट ब्रेन को बचाने के लिए सबसे पहले कौन आएगा? हेयर, हमारे बाल। उसके बाद कौन आएगा? यानी बाल ने कोशिश किया उस इंजरी को रोकने की। उसके बाद कौन आएगा? स्काल्प। स्काल्प में सबसे पहले स्किन वाला लेयर, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू वाला लेयर,
उसके बाद फिर नेक्स्ट लेयर जो आएगा एपोन्यूरोसिस, फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू, फिर पेरिक्रेनियम, उसके बाद फिर हमारा स्कल बोन का हड्डी वाला पार्ट आएगा क्रेनियम, उसके बाद वो इंजरी जाएगा ड्यूरा मैटर के पास, उसके बाद वो इंजरी सब ड्यूरल स्पेस में जो सीरस फ्लूइड है वो उस इंजरी को और कमजोर करने की और डाइल्यूट करने की कोशिश करेगा ताकि ब्रेन तक इतना ज्यादा प्रहार, इतना घातक प्रहार ना हो। उसके बाद वो इंजरी जाएगा एरेक्नॉइड मेम्ब्रेन में, उसके बाद इंजरी जाएगा सब एरेक्नॉइड स्पेस में जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, वो भी मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर का काम करेगा, वो फ्लूइड भी उस इंजरी के इंटेंसिटी को और डाइल्यूट और कमजोर करने की कोशिश करेगा, फिर इंजरी जाएगा पाया मैटर के पास, और फिर अगर वो इंजरी पाया मैटर तक पहुंचा तो ब्रेन को नुकसान पहुंचाएगा। ब्रेन इज द बॉस, और इस बॉस की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। किसी भी देश के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी इतनी टाइट नहीं होती है जितनी टाइट सिक्योरिटी हमारे ब्रेन की। और सोचो इसके ऊपर अगर हेलमेट पहन लिया तो डबल सिक्योरिटी। इसीलिए तो कहते हैं कि जब भी तुम बाइक चलाते हो यू शुड ऑलवेज वेयर हेलमेट, ये याद रखना सब लोग बच्चों। दूसरी जरूरी बात ये याद रखो कि अगर ब्रेन को कोई भी इंजरी हो गई, ओके, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दो तरह के सेल्स के बने होते हैं बेटा, एक होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। इसमें से न्यूरॉन इज द मेन सेल एंड न्यूरोग्लिया इज एक्सेसरी सेल। एक्सेसरी सेल यानी चाराना अटाना, चाराना अटाना यानी इतना काम का नहीं है, खाली सपोर्ट करता है न्यूरॉन को, ओके। अब न्यूरॉन का कैसा है ना कि न्यूरॉन अगर एक बार मर गया तो न्यूरॉन पुनर्जीवित नहीं होता है, ओके। न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड क्योंकि न्यूरॉन के अंदर सेंट्रियोल नहीं होता है बेटा। और ये जो असिस्टेंट सेल है जिनका इतना काम नहीं है ये डिवाइड हो सकते हैं, बट हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सबसे मेन वाला सेल है वो है न्यूरॉन। कुदरत ने हमको अप्रोक्सीमेटली 86 बिलियन न्यूरॉन्स दिए हैं और अप्रोक्सीमेटली 100 बिलियन न्यूरोग्लिया दिए हैं। न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया का रेशियो देखोगे ना, द रेशियो इज लेस देन 1:1, ओके, द रेशियो इज लेस देन 1:1, यानी न्यूरॉन्स कम है न्यूरोग्लिया ज्यादा है बेटा। जो मेन वाला सेल है वो कम है और उसमें भी अगर इंजर हो गया, समझो हम गिर गए, मार लगा, ओके, और ब्रेन का समझो आगे वाले एरिया के न्यूरॉन्स मर गए, तो जो मर गए न्यूरॉन्स वो मर गए, वापस नहीं मिलेंगे तुमको। देखो बॉडी का कोई भी सेल हो, जैसे स्किन कट हो गया तो स्किन का सेल गया, मर गया, नया स्किन आएगा, क्यों? ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। रुडोल्फ वर्चाओ ने कहा था हमारे बायोलॉजी में ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सो सेल डिवीजन होगा, नया सेल्स आएगा आजू बाजू के स्किन के सेल्स से, पर न्यूरॉन में सेल डिवीजन नहीं होता है। कदर करो न्यूरॉन की, कदर करो बॉस की, और समझो ये आगे के हिस्से में मार लग गई, और आगे का हिस्सा अगर प्लानिंग जजमेंट मेमोरी से रिलेटेड है तो फंक्शन गया, पीछे के हिस्से में मार लगी वो विजन से रिलेटेड है तो विजन गया, ओके, साइड के हिस्से में मार लगी अगर वो एरिया स्मेल से रिलेटेड है तो स्मेल गया, वो एरिया अगर हाथ पांव के मूवमेंट्स को कंट्रोल कर रहा है तो पैरालिसिस। बूढ़े बूढ़े लोगों को अचानक से जब लकवा मार जाता है पैरालिसिस हो जाता है, वन साइड ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस, बोथ साइड्स ऑफ द बॉडी का पैरालिसिस, दोनों हाथों का पैरालिसिस, दोनों पैरों का पैरालिसिस। सो वो सब क्यों होता है वो हम लोग इस चैप्टर में काफी डिटेल में पढ़ने वाले, ओके। आप फिलहाल के लिए खाली इतना अप्रिशिएट करो कि ब्रेन का सिक्योरिटी कितना टाइट है, ओके, यानी कोई भी इंजरी को आने के लिए ये सारे के सारे दायरे को पार करके फिर ब्रेन के अंदर पहुंचना पड़ता है। हिंदी में मुहावरा है, लोग गुस्से में एक दूसरे को बोलते हैं दिमाग में मत जा, अरे कैसे जाएगा, हेयर को पार करके जाएगा, स्कैल्प को पार करेगा, स्कैल्प को पार करने के लिए पांच, फिर ड्यूरा मैटर, सब ड्यूरल स्पेस, एरेक्नॉइड मैटर, सब एरेक्नॉइड स्पेस, पाया मैटर, फिर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। लोग बोलते हैं ये लेक्चर तो मेरे दिमाग में ही नहीं जा रहे, हाँ कैसे जाएगा वो लेक्चर तेरे दिमाग में, इतनी सारी बाधाएं हैं, बायोलॉजी मेरे दिमाग में तुरंत चले जाता है, क्यों नहीं जाएगा बायोलॉजी तेरे दिमाग में तुरंत, क्योंकि बायोलॉजी तो ये सब सिखाता है तुझे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, एक एक लेयर के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं, ओके। अब इसमें सबसे पहला लेयर जो है वो है ड्यूरा मैटर, ड्यूरा मैटर बाहर वाला मेनिंजेस है, सो इट इज आउटर मोस्ट मेनिंजेस, ओके। ड्यूरा मैटर अपने आप में बहुत ही टफ, बहुत ही मोटा लेयर है
और फाइबर्स का बना है तो इसलिए हम लोग इसको फाइबरस लेयर बोलते हैं। ये जो ड्यूरा मैटर है ये हड्डी के जस्ट नीचे है, सो इट इज इनर टू द क्रेनियम ओके राइट। ये ड्यूरा मैटर नॉन वैस्कुलर है, नॉन वैस्कुलर यानी इसके पास अपना खुद का ब्लड वेसल नहीं है, सो देयर इज नो ब्लड वेसल, देयर इज नो ब्लड सप्लाई टू इट। सर तो इसको नरिशमेंट कहां से मिलेगा? इस इन सबको नरिशमेंट मिलता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की मदद से, डिस्कस करेंगे बेटा। अब ड्यूरा मैटर के बाद नेक्स्ट जो स्पेस है उसको बोलते हैं सब ड्यूरल स्पेस। ये स्पेस किसके और किसके बीच में? सो दिस इज प्रेजेंट इन बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर। ओके और इसके अंदर जो पानी भरा है वो कौन सा पानी है? It is filled up with serous fluid. फिर ड्यूरा मैटर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है उसका नाम है एरेक्नोइड मैटर। एरेक्नोइड मैटर जैसे ड्यूरा मैटर बाहर वाला है, एरेक्नोइड मैटर मिडल लेयर है, सो इट इज द मिडल मेनिंग्स। ओके नेक्स्ट एरेक्नोइड मैटर जो है वो स्पाइडर के वेब की तरह है, इट इज स्पाइडर वेब लाइक लेयर। ये लेयर अपने आप में पतला है और ये लेयर भी नॉन वैस्कुलर है। नॉन वैस्कुलर यानी इसको भी ब्लड सप्लाई नहीं दिया है कुदरत ने। फिर तीसरा लेयर जो है वो है पाया मैटर। पाया मैटर अपने आप में इनर मोस्ट मेनिंजेस है, सो इट इज द इनर मोस्ट मेनिंग्स। पाया मैटर बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट लेयर है और पाया मैटर इज हाईली वैस्कुलर यानी इसमें ब्लड सप्लाई बहुत अच्छा है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स है इसके पास। इतना समझा बेटा? अब सब एरेक्नोइड स्पेस और CSF के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटो ले लो, फोटो ले लो अच्छे से, मेरे प्रेजेंटेशन का फोटो ले लो। लिया? चलो ये आप कर देता, मेरे फोटो को सीने से मेरे फोटो को सीने से याद चुपकाले सैया फेविकॉल से, मेरे इंफॉर्मेशन को सीने से याद चुपकाले तू पूरे इंटरेस्ट से। आगे नेक्स्ट अब बात करेंगे सब एरेक्नोइड स्पेस। एरेक्नोइड स्पेस किसके किसके बीच में? सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन, नाम से पता चलता है ना सब एरेक्नोइड यानी एरेक्नोइड के नीचे। सो इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन एरेक्नोइड मैटर एंड पाया मैटर। इसमें जो पानी है वो पानी का नाम क्या है? कंटेंस CSF। CSF पे भी शॉर्ट नोट आता है एग्जाम में। CSF stands for cerebro spinal fluid, cerebro spinal fluid। ये जो cerebro spinal fluid है ये slightly alkaline होता है,
100 से लेकर 120 क्यूबिक सेंटीमीटर इसका वॉल्यूम है। ओके, इतना ही पानी रहता है हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आजू बाजू में। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 1.005। ओके, इतना तुमको मेमोराइज करना बेटा। नेक्स्ट, ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनता कहां पर है? इट इज प्रोड्यूस्ड बाय कोरोइड प्लेक्सिस। प्लेक्सिस यानी नेटवर्क, कोरोइड प्लेक्सिस ऑफ पाया मैटर, एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय एपेंडाइमल सेल्स। सर ये एपेंडाइमल सेल्स कहां मिलेगा? एपेंडाइमल सेल्स आर लाइनिंग, लाइनिंग मतलब इनर लेयर। ओके, ये हमारे ब्रेन के कैविटीज के इनर लेयर में होता है और स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनाल बीच वाले कैविटी के इनर लेयर में होता है। सो एपेंडाइमल सेल्स विच आर लाइनिंग the ventricles of the brain sir ventricles तो heart में होता है, नहीं brain में भी होता है। okay, और यहां ventricles का मतलब होता है cavity, and these appendymal cells are also lining the central canal of spinal cord। नेक्स्ट, फिर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड निकलता कैसे है, इसका ड्रेनेज कैसे होता है? सो देयर आर थ्री ओपनिंग्स ऑन द रूफ ऑफ मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, जिसमें से ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन के बाहर निकल जाता है। सो ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय द कोरोइड प्लेक्सिस, ये प्रोड्यूस किया जाता है बाय द एपेंडाइमल सेल्स। एपेंडाइमल सेल्स कहां मिलेगा? ब्रेन के अंदर कैविटी है वेंट्रिकल्स, उसके अंदरूनी लेयर में मिलेगा, और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में कैविटी है उसको बोलते हैं सेंट्रल कैनाल, उसके अंदरूनी लेयर में मिलेगा। ये है ना, आने वाले लेक्चर में मैं तुमको एक एक पार्ट बहुत डिटेल में सिखाऊंगा बेटा, फिलहाल इतना याद रखने का। और इसको ड्रेनेज करना यानी इसको बाहर निकालने का काम है थ्री ओपनिंग्स व्हिच आर प्रेजेंट ऑन रूफ ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। ओके, नेक्स्ट, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन क्या, क्या काम करता है ये? सो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन ये करता है दैट इट इज एक्टिंग एज मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर। मैकेनिकल शॉक एब्जॉर्बर, किसी भी तरह का अगर इंजरी हुआ तो इंजरी ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, जितना भी झटका है उस झटके को सहन कर लेता है। ओके, इसके वजह से ये क्या करता है ना, इट प्रिवेंट्स इंजरीज। फिर इसका नेक्स्ट फंक्शन ये है कि ये न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है नर्वस सिस्टम को। नेक्स्ट फंक्शन ये है कि ये वेस्ट एलिमिनेशन में मदद करता है, कचरा बाहर ले जाता है और न्यूट्रिएंट्स को अंदर ले जाता है। अच्छा, न्यूट्रिएंट्स में ऑक्सीजन गैस भी आ जाता है बेटा, ये याद रखो। इट ऑल्सो सप्लाइज ऑक्सीजन, एंड लास्ट इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन। इट प्रिवेंट्स डेसिकेशन, डेसिकेशन यानी हमारे दिमाग को सूखने नहीं देता है। ओके, डेसिकेशन का मीनिंग इज टू ड्राई। अच्छा, यहां न्यूट्रिएंट्स में मैं O2 लिख के रखता हूं, दैट इज ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन भी सप्लाई करता है हमारे ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड को। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। ऑल राइट बच्चों, सो ये था हमारा आज का लेक्चर जहां हमने ब्रेन के सिर्फ कवरिंग की बात किया। यानी समझो, फॉर एग्जांपल अगर हमको ब्रेन तक पहुंचना है तो सबसे पहले हमको हेयर निकालना पड़ेगा। ओके, नॉर्मली सारे सर्जरी में ऐसा ही होता है,
हमने जब फर्स्ट ईयर में डेड बॉडी कट किया था, पोस्टमार्टम किए थे, उसके बाद जो सर्जरी करते हैं उसमें ना हम डॉक्टर्स यूजुअली क्या करते हैं ना, हेयर बैंड कट देते हैं। हेयर बैंड कट कैसे होता है, यहाँ से लेके कट करते हैं यहाँ तक, जैसे हेयर बैंड पहनते हैं ना वैसे, और ये करने के बाद फिर यहाँ से पूरे स्किन को ओपन कर देते हैं। ओके, सो ब्रेन तक पहुँचने के लिए पहला स्किन, उसके बाद स्काल्प। स्काल्प में भी मैंने एक्स्ट्रा सिखा दिया तुझे, 5 लेयर है, स्किन, कनेक्टिव टिश्यू, एपोन्यूरोसिस, लूज कनेक्टिव टिश्यू, और उसके बाद पेरिक्रेनियम, फिर हड्डी वाला पार्ट आएगा क्रेनियम, उसके बाद ड्यूरा मैटर, फिर सब ड्यूरल स्पेस जिसमें सीरस फ्लूइड है, उसके बाद एरेक्नॉइड मैटर, फिर सब एरेक्नॉइड स्पेस जिसमें सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, फिर पाया मैटर, और उसके बाद ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक तुम पहुंच पाओगे। ये बॉस की कहानी है, और बॉस तक पहुंचना मुश्किल है, सिक्योरिटी बहुत टाइट है, पर टॉपिक मुश्किल नहीं है। हम तुम जब साथ हैं तो डरने की क्या बात है। टिल देन कीप रीडिंग एंड कीप रॉकिंग, इसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, ओके। और ये लेक्चर्स अगर तुमको पसंद आ रहे हैं, और अगर तुमको एहसास हो रहा है क्यों अवस्थी सर बायोलॉजी को बायोलॉजी बोलता है, तो बाकी के बायो लवर्स को भी बताओ, और कमेंट सेक्शन में यू पुट अप यो यो बायो, रीड बायो, लीड बायो, यो यो बायो, समझ में आयो, प्रेम रतन धन पायो, नमस्ते।